हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में मैं एलेक्स स्ट्रेंज लव मूवी की फुल स्टोरी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये मूवी 2018 में रिलीज हुआ था। इस मूवी को IMDb से 6.3 रेटिंग्स मिले हैं। मूवी के मेन कैरेक्टर्स हैं एलेक्स, क्लेयर और एलियट। पर स्टोरी बताने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर लो। कहानी की शुरुआत होती है एलेक्स से, जो स्कूल में पढ़ता है और वो क्लास की प्रेसिडेंट भी है, और वो अपने लिए एक अच्छी गर्लफ्रेंड भी ढूंढ रहा था लेकिन उसको मिला नहीं। फिर एक दिन क्लास में वो मिलता है क्लेयर से। उससे मिलने के बाद एलेक्स को लगता है कि यही वो लड़की है जो उसकी गर्लफ्रेंड बनेगी, तो एलेक्स क्लेयर को अपने वीडियो प्रोडक्शन पार्टनर बना लेता है। फिर दोनों यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं जिसमें वो दोनों एनिमल्स क्या करते हैं और स्टूडेंट्स क्या करते हैं दोनों की कंपेयर करते हैं, और उन दोनों की वीडियो में काफ़ी व्यूज आते थे। फिर एक दिन एलेक्स क्लेयर को अपनी पार्टनर बनने के लिए कहता है, जिससे दोनों पार्टी में किंग और क्वीन की टाइटल जीत सके, तो क्लेयर उसको हाँ बोल देती है। फिर दोनों जाते हैं पार्टी में और टाइटल जीत के आते हैं, तो दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। उसके बाद से हर पार्टी में एलेक्स का पार्टनर क्लेयर बनती है और दोनों किंग और क्वीन की टाइटल जीत के आते हैं। लेकिन एक दिन जब एलेक्स क्लेयर के घर में जाता है तो वो वहाँ पे देखता है कि क्लेयर रो रही है और वो रेडी भी नहीं हुई पार्टी में जाने के लिए। तो क्लेयर बताती है कि उसकी माँ हॉस्पिटल में है और उनको कैंसर हुआ है। ये सुन के एलेक्स सैड हो जाता है और क्लेयर को समझाने लगता है। तभी क्लेयर एलेक्स को किस करती है, तो एलेक्स उससे कहता है कि इससे हमारी फ्रेंडशिप खराब हो जाएगा, लेकिन फिर भी क्लेयर उसे करती है किस। और उस रात के बाद से ही क्लेयर एलेक्स की गर्लफ्रेंड बन जाती है। स्कूल के लास्ट ईयर तक सब कुछ ठीक होता है दोनों के बीच में। एलेक्स को लगता है कि वो उसी से शादी करेगा, लेकिन दोनों ने कभी सेक्स नहीं किया। फिर स्कूल में एक दिन दोनों जाते हैं एलेक्स के दोस्त के पास, तो वहाँ पे एलेक्स का दोस्त डेल रिसर्च के लिए उन दोनों से पूछता है ऐसी कौन सी जगह है जहाँ उन दोनों ने वो किया है। तो क्लेयर वहाँ पे सबको बता देती है कि उन दोनों ने कुछ नहीं किया है अभी तक, और ये बोल के क्लेयर वहाँ से चली जाती है। और एलेक्स उस पे गुस्सा हो जाता है और उसके दोस्त ये सुन के हंसने लगते हैं एलेक्स के ऊपर। तो डेल एलेक्स को गे बोलता है क्योंकि उसने अभी तक नहीं किया है, और एलेक्स गुस्से में सबको कहता है कि वो गे नहीं है। फिर वो वहाँ से जाता है एक कैफे में क्लेयर से मिलने, और वहाँ पे एलेक्स क्लेयर को बहुत सुनाता है क्योंकि उसने सबको बताया, फिर वो उसको छोड़ के चली गई। तो क्लेयर उसको समझाती है कि हम जब भी वो करने की कोशिश करते हैं तुम हमेशा रोक देते हो। तो एलेक्स उसको कहता है कि उसने कभी उस बारे में सोचा ही नहीं। फिर दोनों कैफे में डिसाइड करते हैं कि 1 वीक में वो दोनों होटल में जाएंगे और वो करेंगे। उसके बाद से ही एलेक्स क्लास में सोचता रहता है उस बारे में। फिर क्लास खत्म होने के बाद वो जाता है डेल के पास और उसे हेल्प करने के लिए बोलता है, जिसमें डेल की बहन उन दोनों के लिए एक होटल रूम बुक कर देगी और वो दोनों वहाँ पे जाके करेंगे। तो डेल एलेक्स की हेल्प करने के लिए राजी हो जाता है। फिर स्कूल से घर आने के वक्त क्लेयर कार में एलेक्स से कुछ कहती है, लेकिन एलेक्स कुछ सुनता ही नहीं, वो बस होटल और सेक्स के बारे में सोचता रहता है। तो क्लेयर उसको समझाती है कि इसके बारे में मत सोचो इतना। फिर घर जाके एलेक्स अपने मंकी से बात करता है और उसके साथ प्रैक्टिस करता है कि उसको क्या क्या करना है। एलेक्स वहाँ पे प्रैक्टिस कर ही रहा था कि तभी उसकी माँ वहाँ पे आ जाती है और उससे कहती है कि क्लेयर उससे मिलने आई है, और उसकी माँ को देख के एलेक्स घबरा जाता है। फिर जब एलेक्स ऊपर आता है और क्लेयर से मिलता है तो क्लेयर उसको बताती है कि उसको चांस मिल गया कोलंबिया में। ये बात सुन के एलेक्स बहुत खुश हो जाता है और एलेक्स के मॉम डैड भी। फिर रात को एलेक्स और क्लेयर डेल को लेके एक पार्टी में जाते हैं। वहाँ पे दोनों ड्रिंक करते हैं और वहीं पे रूम के अंदर वो मिलता है एलियट से। वहाँ पे एलेक्स को पता चलता है कि एलियट गे है। एलियट एलेक्स को बताता है कि उसने यूट्यूब पे एक वीडियो डाला था उसके कम आउट होने का, लेकिन इससे उसको कोई मदद नहीं मिला। ये सुन के एलेक्स उससे पूछता है, क्या तुम्हारी फैमिली ने तुमको घर से बाहर निकाल दिया? तो एलियट उसको बताता है कि उसने खुद घर छोड़ दिया और वो अभी ग्रेजुएट भी हो गया है, तो वो आज़ाद है, कुछ भी कर सकता है। फिर एलेक्स अपने बारे में एलियट को बताता है कि वो क्लास की प्रेसिडेंट है, वो पहले कोलंबिया जाएगा, फिर शादी करेगा, फिर बच्चे पैदा करेगा और खुश रहेगा, यही उसका ड्रीम है। फिर वहाँ पे दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं, तभी वहाँ पे क्लेयर आ जाती है। तो एलेक्स सबको कहता है कि क्लेयर सिर्फ उसका दोस्त है। फिर नशे में क्लेयर सबको कहती है कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ, लेकिन हमने अभी तक वो नहीं किया। ये सुन के एलियट हंसने लगता है
और एलेक्स क्लेयर को वहाँ से लेके चला जाता है। वहाँ से दोनों जाते हैं बाथरूम में और वहाँ पे क्लेयर उसको वो करने के लिए कहती है। दोनों वहाँ पे कुछ करने वाले थे कि तभी वहाँ पे डेल आता है और उनके मुंह पे उल्टी कर देता है। उसके बाद तीनों घर चले जाते हैं और साथ में सो जाते हैं। सुबह एलियट एलेक्स को मैसेज करता है तो एलेक्स कहीं और जाके उसके मैसेज का रिप्लाई देता है। तभी क्लेयर उठ जाती है और एलेक्स से पूछती है कि वो किसको मैसेज कर रहा है। तो एलेक्स बताता है कि वो एलियट से बात कर रहा है जिससे वो रात को मिला था पार्टी में। तो क्लेयर कहती है अच्छा वो गे लड़के से। फिर एलेक्स क्लेयर को बताता है कि वो रात को एलियट के साथ एक शो देखने जा रहा है और एलियट के पास सिर्फ एक ही टिकट है तो सिर्फ वो ही जा सकता है। तो क्लेयर उसे उसके साथ जाने के लिए कहती है। फिर रात को एलियट और एलेक्स जाते हैं वो शो देखने और वहाँ पे दोनों डांस करते हैं। वहाँ से दोनों साथ में खाना खाने जाते हैं तो वहाँ पे एलियट उससे पूछता है क्या तुम सच में क्लेयर से प्यार करते हो, क्या तुमने उसके साथ वो किया। तो एलेक्स कहता है नहीं पर हम करने वाले हैं नेक्स्ट वीक। तो एलियट उससे पूछता है क्या तुम नर्वस हो। तो एलेक्स कहता है कि वो है नर्वस क्योंकि वो अभी तक वर्जन है और क्लेयर नहीं है। तो एलेक्स को डर है अगर उसने क्लेयर के लास्ट बॉयफ्रेंड की तरह उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाया तो फिर क्या होगा। एलेक्स की बातें सुन के एलियट हंसता रहता है। तो एलियट उसे समझाता है कि जब तुम उस मोमेंट में होते हो सब कुछ ऐसे ही हो जाता है। तो एलेक्स उससे पूछता है क्या तुमने कभी लड़की के साथ ट्राई किया। तो एलियट उसको बताता है कि उसने ट्राई किया था लेकिन उससे हो नहीं पाया और इससे पता चला कि वो गे है। खाना खाने के बाद दोनों एक जगह पे जाते हैं और बात करते हैं। बात करते करते दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं लेकिन एलेक्स हट जाता है वहाँ से और दोनों बात करते रहते हैं। फिर एलियट कार में सॉन्ग जोर से चला देता है और एलेक्स को देखता रहता है और उसके पास जाके कहता है कि एक लड़की तुम्हारे घर के बाहर इंतजार कर रही है। ये बात सुन के एलेक्स उस लड़की की तरफ देखता है और उसे पता चलता है वो क्लेयर है। तो एलेक्स कार से उतर के क्लेयर के पास जाता है। तो क्लेयर एलेक्स से पूछती है कि उसको इतना लेट क्यों हुआ घर आने में और क्या उन दोनों ने साथ में कुछ किया। ये सब सुन के एलेक्स गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है कि तुम मुझे फॉलो क्यों कर रही हो, क्या वो एक रात के लिए भी अकेला नहीं छोड़ सकती उसे। ये सब सुन के क्लेयर सैड हो जाती है और उसको बताती है कि वो आज रात उसके माँ के साथ रहने वाली थी लेकिन उसकी माँ की तबीयत ठीक है तो उसने सोचा वो यहाँ आएगी एलेक्स के साथ वक्त बिताने लेकिन उसने गलती किया यहाँ पे आके। ये बोल के रोते रोते वो घर चली जाती है। अगले दिन सुबह क्लेयर गुस्से में वीडियो बनाती है और उसमें एलेक्स के बारे में उल्टा सीधा कहती है। तभी उसकी माँ वहाँ पे आ जाती है और उसे समझाती है कि एलेक्स बहुत अच्छा लड़का है और दूसरी तरफ एलेक्स कंफ्यूज हो जाता है कि वो स्ट्रेट है, बाई है, गे है, कौन सा है। तो वो स्कूल जाता है और अपने दोस्त डेल के पास जाके उससे पूछता है क्या वो बाई है। तो डेल उसको समझाता है कि वो बाई नहीं है और डेल एलेक्स को समझाता है कि लड़का लड़की आपस में प्यार करते हैं और लड़की लड़की से भी और लड़का लड़का से भी, लेकिन एक लड़की लड़का बनकर लड़की से प्यार करती है और एक लड़का लड़की बनकर लड़के से प्यार करता है। ये सब बहुत कंफ्यूजिंग लगता है उसको लेकिन फिर भी वो एलेक्स को समझाता है कि वो बाई नहीं है। स्कूल के बाद एलेक्स जाता है क्लेयर के पास और उसे मनाता है क्योंकि उसने गलत किया था उसके साथ। तो क्लेयर मान जाती है। वहां से एलेक्स जाता है शॉपिंग मॉल में वो चूज करने लेकिन वहां पे वो कंफ्यूज हो जाता है कि वो कौन सा लेगा। तभी वहां पे एलियट आता है और एलेक्स से पूछता है कि उसने इतने बड़े साइज का पैकेट क्यों लिया है और क्या आज वो रात है। तो एलेक्स कहता है कि आज रात नहीं वो कल रात होगा और उसने बस सर्च किया था और यहाँ पे लेने आ गया। ये सुन के एलियट हंसता है और उसे अपने घर लेके जाता है। वहाँ पे एलियट एलेक्स को एंटरटेन करता है। फिर एलियट एलेक्स को अपने पास बुलाता है और उसे कुछ कहने ही वाला था कि तभी एलेक्स एलियट को किस करता है। फिर एलेक्स वहाँ से हट जाता है और उसको सॉरी बोलता है और घबराहट में एलियट से कहता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो सिर्फ क्लेयर से प्यार करता है और 29 आवर के बाद वो उसके साथ वो करने वाला है और ये उसका प्लान नहीं था। ये सुन के एलियट उसे समझाता है कि कभी कभी सब कुछ हमारे प्लान के हिसाब से नहीं होता। फिर एलियट उसे शांत होने के लिए कहता है लेकिन एलेक्स कुछ सुनता ही नहीं और वहाँ से जाने के लिए बोलता है। तो एलियट कहता है कि तुमने मुझे यहाँ पे किस किया था, मैंने तुमको नहीं। तो एलेक्स उससे कहता है कि तुम ही तो मुझे अपने पास बुला रहे थे और मैंने वही किया जो तुम करना चाहते थे मेरे साथ। फिर एलेक्स सॉरी बोल के वहाँ से चला जाता है और एलियट उसे रोकता है लेकिन वो रुकता नहीं है। अगले दिन दोनों जाते हैं होटल में वो करने के लिए। वहाँ पे एलेक्स बहुत कोशिश करता है लेकिन उसको बहुत अजीब लगता है और वो क्लेयर से कहता है कि मुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ ये सब करते हुए अजीब लग रहा है।
ये सुन के क्लेयर गुस्सा हो जाती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ और तुमको इतना अजीब क्यों लग रहा है, क्या तुम गे हो। ये सुन के एलेक्स गुस्सा हो जाता है और उससे लड़ने लगता है। तो क्लेयर उससे गुस्से में पूछती है क्या तुम अपने गर्लफ्रेंड के साथ वो करना नहीं चाहते। तो वहाँ पे एलेक्स बताता है कि उसको कोई और पसंद है और वो इंसान कौन है वो उसे नहीं बता सकता। ये बात सुन के क्लेयर बहुत ज्यादा रोती है और उसे वहाँ से चले जाने के लिए कहती है। तो एलेक्स वहाँ से चला जाता है और एक जगह पे बैठ के रोता रहता है। फिर एलेक्स घर जाता है और वहाँ पे सोचता रहता है। तभी उसकी माँ वहाँ पे आती है और उसको बताते हैं कि कोलंबिया से लेटर आया है, लेकिन वो लेटर देख के एलेक्स बिल्कुल भी खुश नहीं होता। अगले दिन स्कूल में वो बिल्कुल अकेला हो जाता है, बहुत ज्यादा सोचता रहता है। क्लेयर उससे बात तक नहीं करती और एलेक्स को देख के डेल उससे पूछता है कि उस रात क्या हुआ था उन दोनों के बीच में। तो एलेक्स डेल को बता देता है कि उन दोनों का ब्रेकअप हो गया है। ये बोल के वो घर चला जाता है और वहाँ पे टीवी देखता रहता है। रात को एलेक्स के घर उसके दोस्त आते हैं उसे बुलाने पार्टी के लिए, लेकिन एलेक्स मना कर देता है क्योंकि उसका अभी अभी ब्रेकअप हुआ है और वो पार्टी के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। तो डेल एलेक्स को समझाता है कि हम सब कॉलेज में जाने वाले हैं अब और कुछ दिन बाद हम सब भूल जाएंगे, तो हमें अभी मजा करना चाहिए। फिर एलेक्स के तीनों दोस्त कार में उसका इंतजार करते हैं। तो एलेक्स तैयार होके आता है। फिर चारों दोस्त जाते हैं पार्टी में। वहाँ पे एलेक्स बहुत ज्यादा पीता है। डांस करते करते एलेक्स देखता है एक लड़की को, फिर वो उस लड़की के साथ ऊपर जाता है और उसके साथ वो करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे होता नहीं है। तो वो लड़की उसको धक्का दे के नीचे गिरा देती है और उसी वक्त वहाँ पे क्लेयर आ जाती है और उसे देख के वहाँ से रोते रोते चली जाती है। तो एलेक्स क्लेयर को ढूंढने उसके पीछे पीछे जाता है। फिर रास्ते में उसको एक फ्रॉग मिलता है, वो उसके पीछे पीछे पूल तक जाता है और पूल में गिर जाता है। पूल के अंदर उसको पता चलता है कि वो बचपन से ही लड़कों को नोटिस करता है और लड़के उसका मजाक बनाते थे। फिर एलेक्स पूल से बाहर आ जाता है और सांस लेता है। तभी वहाँ पे क्लेयर आती है और उसको देखती है। तो एलेक्स क्लेयर को बताता है कि वो गे है और क्लेयर ये बात सुन के शॉक्ड हो जाती है। फिर डेल की बहन उन तीनों को घर पहुँचा देती है। घर जाने के बाद क्लेयर अपने माँ को सब बताती है और रोती रहती है। अगले दिन रात को क्लेयर एलेक्स से बात करती है और जानने की कोशिश करती है कि एलेक्स सच में गे है, क्या उसको सही से पता है कि वो गे है। तो एलेक्स उसको बता देता है कि वो गे है और उसे ये पता है। ये बात सुन के क्लेयर रोती रहती है और क्लेयर को रोते हुए देख के एलेक्स भी रोता रहता है, क्योंकि क्लेयर एक अच्छी गर्लफ्रेंड थी उसके लिए। फिर एलेक्स क्लेयर से माफी मांगता है क्योंकि उसे लगता है वो एक अच्छा बॉयफ्रेंड नहीं है। तो क्लेयर उसको समझाती है कि वो एक अच्छा गे बॉयफ्रेंड था और ये बात सुन के दोनों हंसते रहते हैं। फिर एलेक्स लास्ट बार क्लेयर को अपना प्रॉम नाइट पे पार्टनर होने के लिए पूछता है, तो क्लेयर हाँ बोल देती है उसको। कहानी में आगे दोनों जाते हैं प्रॉम नाइट में एक साथ और वहाँ पे क्लेयर एलेक्स को एक सरप्राइज देती है, जहाँ वो पार्टी में एलियट को लेके आती है। तो एलियट को वहाँ पे देख के एलेक्स घबरा जाता है और वो क्लेयर से पूछता है कि उसने एलियट को यहाँ पे इन्वाइट क्यों किया है। तो क्लेयर एलेक्स को समझाती है कि ये उसके लिए ही अच्छा है, क्योंकि अगर एलेक्स को पता हो कि वो किसे प्यार करता है तो वो क्लेयर के लिए ही अच्छा होगा और इसीलिए क्लेयर ने एलियट को इनवाइट किया था पार्टी में। तो एलेक्स जाता है एलियट के पास उससे बात करने के लिए, लेकिन जब वो एलियट से बात कर रहा था तो सारे स्टूडेंट्स उसको देख रहे थे, जिससे एलेक्स घबरा जाता है और बाथरूम में चला जाता है और बाथरूम में वो सोचता रहता है उसको क्या करना चाहिए। तभी वहाँ पे एलियट आता है और उससे पूछता है कि वो बाथरूम में क्या कर रहा है, क्या वो पार्टी में नहीं जाना चाहता उसके साथ। तो एलेक्स उसको बताता है कि सब उन दोनों को देख रहे थे इसलिए वो चला आया। ये बात सुन के एलियट गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है कि वो पार्टी छोड़ के चला जाएगा। ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है। एक तरफ एलियट पार्टी छोड़ के जाने वाला था और दूसरी तरफ एलेक्स मिरर में देखता रहता है खुद को। तभी क्लेयर एलियट से पूछती है कि एलेक्स कहाँ है, लेकिन एलियट कोई जवाब नहीं देता। फिर एलियट पार्टी छोड़ के जाने ही वाला था कि तभी एलेक्स आ जाता है और उसको सबके सामने किस करता है और सब वो देख के शॉक्ड हो जाते हैं और डेल बहुत खुश हो जाता है और क्लेयर भी। फिर एलेक्स और एलियट डांस करते हैं। अगले दिन एलेक्स क्लेयर के साथ अपने कम आउट होने की स्टोरी यूट्यूब पे अपलोड करता है। वो वीडियो इतना ज्यादा वायरल हो जाता है कि सभी अपने कम आउट होने की स्टोरी यूट्यूब पर अपलोड कर देते हैं और यहीं पे मूवी की एंडिंग हो जाती है। लेकिन जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।